हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित शुक्ला एंटी सस्पीज है और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको जो है कोई टेबल नहीं पढ़नी पड़ेगी, बल्कि कुछ लाइंस आप ड्रा करेंगे और उन लाइंस के ज़रिए आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। तो पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपको मान लो यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है 21 इंटू 14, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे है 21, यहाँ पे है 14। तो इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कोई टेबल नहीं पढ़नी है, बल्कि आपको कुछ लाइन ड्रा करनी है और आसानी से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 लाइनें ड्रा करूँगा इस तरीके से। फिर क्या 1, तो यहाँ पर 1 है, तो थोड़ी दूर पर मैं 1 लाइन ड्रा करूँगा। उसके बाद यहाँ पे 14 है, तो 14 के लिए आपको क्या करना है, अब इस तरीके से लाइन ड्रा करना है। 1 लाइन यहाँ पे ड्रा करूँगा और थोड़ी दूर पर ये 4 लाइनें, क्योंकि 1 के बाद 4 है, तो 4 लाइनें यहाँ पे 1 2 3 4, इन लाइनों को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अब देखिए इस तरीके से मैंने लाइनें ड्रा कर ली। अब जहाँ पर ये लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, वहाँ पे हम पॉइंट बना लेंगे। ये देखिए, ये डॉट बना लेंगे यहाँ पर, ये 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 डॉट, ये डॉट, ये डॉट। अब क्या करेंगे, इस डॉट को ऐसे घेरे में हम सर्कल कर देंगे। यहाँ पे सर्कल बनाएंगे इन डॉट को, और ये डॉट और उसके सामने ये डॉट पड़ रहा है, इसे एक सर्किल में ड्रा करेंगे और यहाँ पर एक सर्किल ड्रा करेंगे। अब देखिए इन डॉट को आप गिन लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो 4 लिख लिया। यहाँ पे देखिए ये और उसके साथ ये, तो ऊपर 4 है, नीचे 4 है, यानी 8, और एक ये 9, यानी 9 आया, तो यहाँ पे 9 लिख दिया। यहाँ कितने, 2। तो ये हमारा जो आया मल्टीप्लिकेशन 294। तो अगर आप 21 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आएगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, मान लिया आपको मल्टीप्लाई करनी है 15 इंटू 14, ये आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ देखिए 15 है, यहाँ 14, तो 15, तो पहले हमने एक लाइन खींची और थोड़ी दूर पर 5 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 14 है, तो 1 लाइन ये खींची और 4 लाइनें थोड़ी दूर पे खींच दी, 1 2 3 और ये 4। अब भाई हमको करना है कि जहाँ जहाँ पर लाइनों ने कट किया है वहाँ पर डॉट बना लेंगे। ये डॉट, ये समझने के लिए डॉट हम बनाते हैं, चाहे तो आप डॉट ना भी बनाएं तब भी आप ऐसे ही काउंट कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा डॉट बनाने से आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि कहां कहां पे लाइनों ने कट किया है। ये डॉट बना लिए। अब देखते हैं, ये जो है इसे हम सर्किल कर देंगे, और ये और इसके सामने ये, इसे सर्किल करेंगे, और एक डॉट हमारा ये, इसे सर्किल करेंगे। अब इसे आप काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 4 4 8 4 12 4 16 और 4 20। तो यहाँ पर हमारा आया 20, 20 का लिख दिया हमने 0। अब हमारा कैरी जो बचता है वो कितना बच रहा है, 2। तो समझ लीजिए यहाँ 20 आया, 20 का 0 लिखा, 2 कैरी बचा, तो जो 2 कैरी आएगा वो हम आगे जोड़ेंगे उसे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 2 कैरी, तो 9 2 कितना हुआ, 11, यानी 11 का 1। अब हमारा कैरी कितना बचा, 1। अब उस 1 को जोड़ेंगे यहाँ पर, यहाँ पे हमारा कितने डॉट है, 1 और 1 कैरी जोड़ दिया, तो कितना होगा, 2, तो यानी 210। तो
तो 15 और 14 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 210 आएगा। आप इसे चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको तीन डिजिट वाले, अगर मान लो एक तीन डिजिट वाली संख्या है, एक दो डिजिट की, तो उन्हें कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। मान लिया एग्जाम्पल है हमारा 123 × 23, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो देखिए इसे आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 123 यहाँ 23, तो 123 तो आप क्या करेंगे, पहले एक लाइन, उसके बाद थोड़ी दूर पे दो लाइन क्योंकि 2 है, फिर क्या है 3, थोड़ी दूर पे 3 लाइन है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है 2 3, तो इस तरीके से पहले दो लाइनें ड्रा की, फिर 3 है थोड़ी दूर पे 3, 1 2 3, यहाँ से ये हमारे डॉट आएंगे, ये सब डॉट जहाँ जहाँ पे लाइनों ने कट किया है वो डॉट यहाँ पे ड्रा कर देंगे। ये देखिए इसे सर्कल करेंगे, ये ऐसे, ये और ये, इसे आप काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितने, 3 3 6 3 9, यानी 9 आया हमारा। उसके बाद 3 3 6 2 8 2 10 2 12, 12 का 2, और हमारा कैरी कितना बचा, 1, जो कैरी है वो आगे हम जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ 3 और 4 7, 7 और एक कैरी जोड़ दिया तो कितना हो गया 8, अब ये कितना 2, यानी 2 8 2 9, ये इसका आंसर आएगा अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 123 × 23। तो देखिए बहुत ही ईजिली आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कोई आपको टेबल नहीं पढ़नी है, कि सिर्फ आप लाइनों की सहायता से, यानी आप लाइन ड्रा करेंगे और उससे आप आसानी से इस मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। ऐसी मैं कुछ और ट्रिक लेके आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा। धन्यवाद।